शीत सत्र के दूसरे सप्ताह के आखिरी दिन विधायक रोहित पवार एक खास जैकेट पहनकर विधान भवन पहुंचे, जिस पर सरकारी पद भर्ती और रोजगार का संदेश लिखा था। इसी श्रृंखला में बातचीत की है हमारी संवाददाता क्षितिजा देशमुख ने। रोजगार और सरकारी पदों की भर्ती की जैकेट है, उस पर संदेश दिया और संघर्ष यात्रा का लोगो भी लगा है, क्या बताओ? नहीं, हमारा प्रयास ऐसा है कि जो सरकार है, जो युवाओं के बारे में चर्चा नहीं कर रही, लोगों के बारे में चर्चा नहीं कर रही या नागरिक के बारे में चर्चा नहीं कर रही, तो ये जो अलग अलग माध्यम है, जैसे 800 किलोमीटर हम चले वो एक माध्यम था सरकार का ध्यान लोगों के मुद्दों पे लाने का, जैकेट एक है, अधिवेशन में जब हम बात करते हैं वो भी एक माध्यम है। तो जिस जिस तरीके से सरकार का ध्यान लोगों पर लाए या लोगों के विषय पर लाए वो हम प्रयास कर रहे हैं। अगले कौन से मुद्दे होंगे जो हमें जैकेट पे दिखने वाले? आप देखो, हर दिन कुछ अलग रहेगा और उसमें, लेकिन एक है, कोई भी मुद्दा मेरे हित का नहीं रहेगा, वो लोगों के हित का रहेगा। मनीषा कायंदे जो है उन्होंने अभी दो दिन पहले पोडियम पे बोलते हुए कहा था कि दूसरे राहुल गांधी बन रहे हो क्या, तो ऐसा आपको बोला था राहुल? तो मैंने ये भी सुना था कि वो मोबाइल पे किसी से बात कर रही थी, जो खुद का ओपिनियन नहीं दे पाती है उनके बारे में मैं क्या बोलूँगा। धन्यवाद। तो ये थे रोहित पवार, जिन्होंने हमसे चर्चा साधी है और जो है आज उनका जैकेट जो है ये सबका जो है ध्यान आकर्षित कर रहा है, उस पर सरकारी पदों की जो है भर्ती और रोजगार का जो है संदेश लेकर वो आज विधान भवन में पहुंचे हैं। कैमरा पर्सन अजित कुंवर के साथ मैं क्षितिजा देशमुख, BCN न्यूज़ नागपुर।